देख ही लिया होगा हमारे स्कोर्स जो हैं वेरियस पैरामीटर्स पे, जो 7 पैरामीटर्स थे फॉर इवैल्यूएशन ऑफ NAAC एक्रेडिटेशन। तो 7 पैरामीटर्स, करिकुलम एस्पेक्ट था, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, फिर रिसोर्स इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इनमें हमें जैसे अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग स्कोर्स मिले हैं, तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेज में 4 out of 4 मिले हैं, कुछ क्राइटेरिया में 3.87, 3.73, 3.74 और 3.57 गवर्नेंस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.6 एंड टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन में 3.4 मिला है। और कुछ सजेशंस थी NAAC पीयर टीम की, दैट आई कैन शेयर विद यू। जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने कहा कि सिंस मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द PU कैंपस आर ओल्ड एंड हेरिटेज स्ट्रक्चर, दे नीड टू बी रेनोवेटेड एंड अपग्रेडेड। सेकेंड पॉइंट था कि कॉन्टीन्यूस मैपिंग ऑफ PO, PSO, CO इज़ नीड ऑफ द आर, हैंस नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। थर्ड पॉइंट था टू मेक द क्लीन एनर्जी, द रूफ टॉप्स शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर टैपिंग सोलर एनर्जी सिस्टम। फोर्थ रिकमेंडेशन है, स्टेप्स में बी टेकन टू रिड्यूस द वेहिकुलर ट्रैफिक विद इन द कैंपस। फिफ्थ रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी शुड वर्क टुगेदर फॉर क्विक रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ। देन सिक्स्थ रिकमेंडेशन इज एनवायरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बी प्रमोटेड फॉर रिसोर्स जनरेशन। सेवन्थ रिकमेंडेशन इज PU शुड सीरियसली ट्राई टू बी ग्लोबल यूनिवर्सिटी विद इंटरनेशनल रैंकिंग। एट्थ इज द यूनिवर्सिटी शैल डू मोर सीरियस एफर्ट्स फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर विद इंडस्ट्री कोलेबोरेशन। देन नाइन्थ रिकमेंडेशन इज डेंटल फैकल्टी एंड अदर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स शुड ट्राई टू रिक्रूट मोर क्वालिफाइड फैकल्टी। एंड टेंथ वॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स शुड बी सिस्टमेटिकली कंडक्टेड। तो ये 10 स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं NAAC पीयर टीम की। बिसाइड्स दैट दे हैव यू नो गिवन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वीकनेसेस एंड चैलेंजेस ऑल्सो दे हैव लिस्टेड। सो वील शेयर दीज रिकमेंडेशंस विद यू। सो वील गिव वन कॉपी टू ईच वन ऑफ यू। हाँ जी मैम, सोलर एनर्जी के ऊपर आपके टाइम में काम शुरू हुआ था व्हेन यू वर DUI, उससे पहले भी एक बार हो चुका है जब कुसुम का प्रेजिडेंट होता था तो प्रपोजल बना के दिया था, वो कहाँ तक पहुँच गया? क्योंकि सोलर का पॉइंट उन्होंने लिखा उस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हमने एक्चुअली 4 बिल्डिंग्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं और उनकी रूफ टॉप्स के लिए हमारे पास बजट भी है और हम ऑलरेडी यू नो इन द प्रोसेस ऑफ परचे ऑर्डरिंग, वी हैव प्लेस द ऑर्डर, सो वी हैव प्लेस द ऑर्डर आल्सो। तो क्रेस्ट को क्रेस्ट के थ्रू है, एक बिल्डिंग तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एक डीसी ऑफिस है और कौन सी है, गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है मेरे पास, 4 बिल्डिंग्स हैं। थैंक यू। इधर क्रेडिट खास और थम जाता है, 6 महीने हुए हैं। हां ये क्योंकि असली भी पंजाब में असली सुन रहे हैं कि इसका सारे वास्ते बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट हो रहा है पंजाब में, पर थोड़ा जगह अचंभा जो लगता है कि एकदम ये किस तरह हो गए, क्योंकि पिछली बिल्डिंग ओनली ए आया सी 2015 में, उस तो बाद खास चेंज है क्योंकि रिक्रूटमेंट तक पोस्ट रखा दी हुई है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ घट रही है, ठीक है ना, रैंकिंग भी आपको पढ़ते रहते गिर रही है, जे तुसी साडे स्कोर्स देखो, जेडियां भी डिफरेंट रैंकिंग एजेंसीज है
उन्होंने जोड़े पैरामीटर्स है उन्होंने स्कोरस की साढ़े कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट है भी है ते बाकी जड़ा तुसी देख ही रहे हो न्यूज़पेपर्स च भी आता ही रहा कि जी मीटिंग हो रही है मतलब जदों दी मैं DUI बनी असी सानू 1.5 साल हो गया सी लगे हुए हैं डिपार्टमेंट्स नाल मीटिंग्स करन च डेटा यू नो कलैक्ट करन च एक्चुअली प्रॉब्लम सारी डेटा दी है पंजाब यूनिवर्सिटी च सारे डिपार्टमेंट्स फैकल्टी अपना काम तो करते हैं पर डेटा रिकॉर्ड नहीं प्रॉपर हैगे है लोगों को ते वो रिकॉर्ड मेनटेन नहीं प्रॉपरली हो रहा है जिमें स्टूडेंट प्लेसमेंट की गल करिए साढ़े मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स नू जॉब्स भी मिल जाती हैं या वो हायर स्टडीज़ लिए चले जाते हैं पर जब तक असी वो डेटा प्रजेंट नहीं करांगे असी कोई कुछ क्लेम नहीं कर सकते नैक जिमें असी क्लेम किया कि साढ़े 40% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है तो सानू फिर वो 40% स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी दिखाना पैंदा उन्होंने तो वो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करन लई सारी डॉक्यूमेंटेशन लई असी मतलब सानू 1.5 साल हो गया असी लगे हुए हैं तो लास्ट ईयर भी जिमें गल हुई कि असी 1 लाख तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स 1.25 लाख डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिते सीगे फिर जदों असी मार्च च SSR सबमिट की है तो प्रोफेसर हर्ष नायर ने जदों तो ज्वाइन किया मेरे ख्याल 2 महीने तो यह भी इस काम से ही लगे हुए थे कि चेयरपर्सनस नाल मीटिंग साड़ी IQAC टीम डिपार्टमेंट्स से जा के डेटा एंट्री कर रही थी क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज भी SSR फिल करनी होती है तो यूनिवर्सिटी की जी SSR है बेसिकली इट इज़ कंसोलीडेशन ऑफ वॉट डिपार्टमेंट्स हैव सबमिटेड तो असी फिर IQAC टीम वॉज गोइंग टू डिपार्टमेंट्स एंड गैटिंग देयर डेटा फिल्ड यू नो सो दैट देयर इज़ नो मिसमैच बिटवीन द डिपार्टमेंट डेटा एंड यूनिवर्सिटी डेटा रेगुलरली इंस्पेक्शन चलती हैं पर पिछले साल च इंस्पेक्शन नहीं हुई रीजन ये है कि जदों असी इंस्पेक्शन करन जाने तो असी ये देखते हाँ कि उन्होंने कोल रिक्वायर्ड जड़े फैकल्टी हैगे मतलब नंबर ऑफ फैकल्टी जिन्हें सानू चाहिए है उन्ने हैगे कि नहीं हैगे दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटीरिया तो पिछले 1 साल तो कॉलेज कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई क्योंकि साड़ी जड़ी टैंपलेट सी जड़ी कि असी यूज़ करते हैं फॉर रिक्रूटमेंट फॉर शॉर्टलिस्टिंग द नंबर ऑफ कैंडीडेट्स हू आर टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वो साड़ी टैंपलेट ही नहीं सी फाइनल हुई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ के कॉलेजेस लिए अपनी टैंपलेट इवॉल्व कर रही थी 2018 रेगुलेशन के हिसाब नाल ते पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी वक्री टैंपलेट बनाई है ते वो दोनों मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पंजाब वालों टैंपलेट सानू आई नहीं 6-7 महीने तक फिर जदों टैंपलेट आई फिर असी सिंडीकेट सैनेट च अप्रूवल ही लैके गए जदों पिछली सैनेट की मीटिंग चो टैंपलेट अप्रूव हो गई फिर कॉलेजेस नू भेजती तो हुण कॉलेजेस ने अपना सिलेक्शन का काम शुरू करता है तो असी अपना इंस्पेक्शन का काम भी नाल दे नाल ही शुरू कर देंगे पर असी हले भी रुके हुए हैं इंस्पेक्शन वास्ते क्योंकि असी चाहते हैं कि वो पहले सिलेक्शन कर लैन क्योंकि जदों साडी टीम जाएगी फिर वो कहेगी जी तुहाडे यू आर शॉर्ट ऑफ फैकल्टी तो रीविजिट की लोड़ है फिर वो सब एक साइकिल जहा बन जाता है तो बैटर है कि स्टैप बाय स्टैप चली उन्होंने हुण अपना प्रोसेस शुरू करता है रिक्रूटमेंट का तो जो उन्होंने रिक्रूटमेंट हो जाएगी असी इंस्पेक्शन का काम शुरू कर देंगे इमीजिएटली तो साड़ी एडमिशन से ही इफेक्ट होना चाहिए तो है तो इंजीनियरिंग दियाँ सारिया सीटा होशियारपुर दियाँ भी भर गई हैं तो बाकी यह है कि असी कोई भी हुन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जिवें ऑनलाइन जड़े असी कोर्सिस करते हैं यूसॉल चोदे लिए सानू डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होंगी है पर हुन असी कोई भी ऑनलाइन कोर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ डेप शुरू कर सकते हैं ईवन यू नो ऑफशोर कैंपसिस भी शुरू कर सकते हैं बट दैट्स यू नो फार फेस्ट दिस थिंग बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 20% एडमिट कर सकते हैं
और बाकी तो जड़े डिफरेंट ग्रांट्स लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट वो तो है ही है कि हम डिफरेंट जिवें इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस दी हैगी प्रपोजल उहदे ते दोबारा काम करांगे लेट्स सी की हुंदा लास्ट टाइम वी वर एट नंबर 14 हमारा तो जो क्राइटेरिया है उस हमें तो कोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं दी है कि आप चेंज करो अपना क्राइटेरिया नहीं साढ़े तो कुछ हाल तक प्रूफ नहीं हो क्योंकि वो उन्होंने कहा ना कि वो कहते भी तुहाडा डीन्स अपॉइंट करन दा की सिस्टम है ते व्हेन आई सेड के साडे डीन्स दा इलेक्ट हुंदे ओ भी 1 साल ली सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट